हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल और आलू का बहुत टेस्टी बहुत यम्मी नाश्ता, जो कि हमने चावल की कचौड़ी आपको बनाना बताया था तो आपको वो पसंद आई। उसी तरह से है एक और नाश्ता, जो कि आप अगर चावल की कचौड़ियों को भरना नहीं चाहते, जैसे भर नहीं पा रहे हैं, तो हम उसे के लिए एक सिंपल सी रेसिपी लेके आए हैं। स्वाद में वही इंग्रेडिएंट रहेंगे, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, हमने कुछ इन्ग्रीडियंट ले रखा है, जैसे कि हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर। तो इन तीनों का हम बना लेंगे पेस्ट। और ये हमने ले लिए हैं 2 से 3 आलू। तो ये देखिए पेस्ट बना लिया है, तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए हमने 3 से 4 स्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। तो अब डालेंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून। देखिए गाइस ये चटक जाता है। उसके बाद हींग डालेंगे 3 से 4 पिंच, क्योंकि चावल की कचौड़ियाँ हैं तो उसमें अच्छा लगेगा। अपना ये पेस्ट डाल देंगे जो बना करके रखा है, तो इसको हम पका लेंगे अच्छे से। और कुछ इंग्रेडिएंट ड्राई मसाले के हम ऐड करेंगे इसमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा बस धनिया पाउडर यूज़ करेंगे इसमें और कुछ नहीं ऐड करेंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, उससे हल्का सा पीलापन आ जाएगा हमारे नाश्ते में। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से पका लिए हैं और ऑयल दिखने लगा है, तो इसका हिसाब से हमारा मसाला पक चुका है। तो अब इसमें हमने जो आलू मैश करके रखे थे उनको डाल देंगे, और इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे हल्का सा मॉइस्चर कम हो जाए हमारे आलूओं में भी। तो ये देखिए हमारा भून चुके हैं आलू। तो हम 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हमें इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि चावल हमने ले रखे हैं 2 कटोरी। और एक बार इस तरह के नाश्ते आप बनाने में चावल 2 कटोरी चावल का आटा लिया है, क्यों? क्योंकि इसमें आलू भी हमने डाले हुए हैं, तो वो उसमें मॉइस्चर है, तो इस वजह से पानी की मात्रा कम लगेगी। देखिए भर करके 1 स्पून हमने डाल दिया है चाट मसाला, जिससे कि टेस्टी लगेगा, चटपटा लगेगा। स्वाद के अनुसार नमक, तो ये देख सकते हैं काफ़ी कुछ स्वादिष्ट लगेगा। इसको हम पका लेंगे। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हरी धनिया अपने हिसाब से डाल दें। देखिए हमने मिर्च पीस ली थी, इसलिए लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। आप थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी आटा, इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम और भी आटा ऐड करेंगे, क्योंकि डो हमारा गीला नहीं होना चाहिए। डो हमारा जैसे हम पूड़ियों के लिए डो लगाते हैं, उसी तरह से हमको डो लगाना है। क्योंकि ये देखिए हमने 2 कटोरी भी आटा ऐड कर दिया है। देखिए अगर आपकी आपका डो जो रहेगा वो गीला रहेगा ना, तो वो फिर पूड़ियाँ है वो तेल अब्सॉर्ब करने लगेंगी, ठीक है, तेल सोखने लगेंगी, जिसकी वजह से नहीं सही रहेगा। तो ये देखिए मिक्स करके हमने ढक दिया है। ये आपको ड्राई ड्राई भी लग रहा होगा, मगर ये ड्राई नहीं है। ये देखिए अभी अभी बिल्कुल ड्राई ड्राई लग रहा होगा, लेकिन ड्राई नहीं है। तो इसको देखिए अभी से हम कुछ ऑयल लगा करके इसे मस लेंगे अच्छे से, तो ये एकदम सख्त डो लग कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मसल लेंगे, और ये सारा काम गर्म में ही करना है, ठंडा नहीं करना है। और एक बात फिर से हम आपको याद दिलाएं कि इस कचौड़ियों को बनाने में सिर्फ आपका इस बात का ध्यान देना है कि आपको डो सख्त लगाना है, लूज़ डो नहीं लगाना है। अगर आप लूज़ कर दोगे ना, तो आपकी कचौड़ियाँ तेल पीने लगेंगी। तो ये देखिए हमारा हार्ड डो लग कर तैयार है। इसको ढक के ही रखना है, हल्का सा ऑयल लगा देंगे ऊपर से, जिससे सूखे नहीं। और अपने डो को हम ढक कर रखेंगे। तो देखिए सबसे इजी तरीका है हमारी चावल के आटे और आलू की कचौड़ियाँ बनाने का। एक बात और गाइस, कि ये बहुत टेस्टी बहुत क्रिस्पी नाश्ता बनता है, बच्चे बिल्कुल मांग मांग कर खाएंगे आपसे। तो ये देखिए इस तरह से हमने छोटी छोटी सी बॉल ले ली है, इस तरह से गोल करते हुए, बेलेंगे नहीं, बस इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए ना भरना पड़ा, ना बेलना पड़ा, ना डो लगाना पड़ा, कितनी आसानी से हमारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। तो देखिए
हथेली की सहायता से इसको हम बढ़ा लेंगे, जितनी मोटी आपको रखना है बस उसी हिसाब से कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए हमने फ्लेम रख दी थी और हम इसमें थोड़ा सा टुकड़ा ढोकर डालकर देखेंगे। तो ये हो गया है तो अपनी कचौड़ियाँ भी ऐड कर लेंगे। तो जिस हिसाब से देखिए इन कचौड़ियों में भी बस वही ध्यान रखने वाली बातें हैं कि डालते ही तुरंत नहीं छेड़ना है, वरना चावल के आटे की हैं टूट जाएंगी। तो जब हमारी कुक हो जाए, एक साइड से हल्की सी लाल हो जाए, तब हमको हटाना है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, कलर देख सकते हैं इसका कितना प्यारा आया है। तो इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए गाइस हमारी बन करके तैयार हैं आलू और चावल के आटे की सॉफ्ट कचौड़ियाँ, क्रिस्पी एंड सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो देख सकते हैं हमारी कचौड़ियों ने बिल्कुल भी ऑयल नहीं सोखा हुआ है, बहुत अच्छी बहुत यम्मी है। और ये सारे बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।